नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त प्राची खंडेलवाल और न्यूज कनेक्ट पर ये है चुनावी डमरू। हर दिन नेता डमरू बजाते हैं, आज दो धर्म गुरु ये डमरू बजा रहे हैं। कहने को तो धर्म गुरु है, लेकिन माय गॉड, नेताओं को बिल्कुल नेतागिरी वाले अंदाज में धोते हैं। वैसे भी धार्मिक प्रवचन बहुत हुए, अब बारी सियासी उपदेश की है। तो पहला डमरू बजा रहे हैं श्री श्री आचार्य प्रमोद कृष्णम। बड़े ज्ञानी है आचार्य जी, कुछ दिन पहले तक कांग्रेस के प्रवक्ता थे, अब बीजेपी की आंखों का तारा है और संभल में कल की धाम के प्रमुख है। आचार्य जी राहुल गांधी की कुंडली बांच रहे हैं। जब तक राहुल गांधी हैं, कांग्रेस को कोई नहीं बचा सकता और राहुल गांधी जी को कांग्रेस से कोई हटा नहीं सकता। अरे आचार्य जी, जिस थाली में खा रहे थे उसमें इतने छेद तो ना करो, ये क्या कह रहे हैं आप? यानी राहुल गांधी को हटाने से ही कांग्रेस का भला हो सकता है? लेकिन राहुल को कांग्रेस से कोई हटा नहीं सकता, यही कहना चाह रहे हैं ना आप? जब तक राहुल गांधी हैं, कांग्रेस को कोई नहीं बचा सकता और राहुल गांधी जी को कांग्रेस से कोई हटा नहीं सकता। तो कर लो बात, राहुल के साथ पार्टी का बंटाधार, लेकिन राहुल को हटाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन। ऐसे में कांग्रेस करेगी क्या? रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम का रास्ता छोड़कर सनातन को मिटाने के रास्ते पे आ गई है। तो जो पार्टी सनातन को मिटाने के रास्ते पे आ गई है, जो पार्टी वंदे मातरम और भारत माता की जय का रास्ता छोड़कर भारत के टुकड़े करने वाले रास्ते पे आ गई है, उस पार्टी को भगवान भी कैसे बचाएगा? जब माल आता है तो कई तरह की समस्या भी साथ लाता है। तो ये तो कांग्रेस के नेताओं को बताना चाहिए कि इतना सारा सैकड़ों करोड़ रुपए का जो उन्हें नोटिस मिला है, तो आखिर क्यों मिला है? तो इसका जवाब तो कांग्रेस पार्टी के नेता देंगे। 1800 करोड़ हो या 18000 करोड़ हो, इसका जवाब तो जयराम रमेश और केसी वेणुगोपाल जी को देना चाहिए। सच बात यह है कि चोर कभी भी नहीं कहता कि वो चोर है, डाकू कभी नहीं कहता वो डाकू है, लुटेरा कभी नहीं कहता वो लुटेरा है। लेकिन सच बात यह है कि देश का पैसा लूटा तो गया है। हे राम, एक धर्म आचार्य जिनकी जुबान पर सरस्वती विराजमान होती है, उनकी जुबान से माल जैसा शब्द सुनना, लगता है घोर कलयुग आ गया है। कांग्रेस के माल पर प्रवचन दे रहे थे, शायद उस 1800 करोड़ रुपयों की बात कर रहे हैं जिसे भरने का नोटिस इनकम टैक्स विभाग ने कांग्रेस को ऐसे वक्त पर दिया है जब पार्टी के कई अकाउंट्स सीज किए जा चुके हैं। तो एक धर्म गुरु का निशाना राहुल और कांग्रेस पर है, जबकि दूसरे धर्म गुरु तो सीधे बंगाल की धरती से ममता बनर्जी को सियासी प्रवचन दे रहे हैं। देखिए, राज्य स्थापित क्यों हुआ था? राज्य स्थापित ही इसीलिए हुआ कि जो निर्बल है उनको न सताया जाए, और हमारी माताएं बहनें अपेक्षा करती हैं कि उनकी हम रक्षा करेंगे, और अगर उन्हीं के साथ अत्याचार और अन्याय होता है, ये राज्य की असफलता है, ये स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। और विशेष करके तब जब एक माता ही, एक बहन ही राज्य शासन में शासनकर्त्री हो, तो ये ज्यादा उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि बहनों का विशेष संरक्षण हो। यार, ये तो पक्का है कि अगर ममता बनर्जी ने शंकराचार्य महोदय की ये बात सुन ली तो बंगाल में आकर प्रवचन दे पाना मुश्किल हो जाएगा। अब जब धार्मिक चेहरे सियासी जुबान बोल रहे हैं तो चुनावी डमरू में सियासी चेहरों के धार्मिक बोल भी बजने ही चाहिए, है कि नहीं? तो स्वागत कीजिए प्रियंका गांधी का, जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को राम, रामायण, रावण के धर्म की याद दिलाकर चेतावनी दी है। ये चेतावनी भी प्रवचन जैसी ही लग सकती है आपको। भगवान राम जब सत्य के लिए लड़े, उनके पास सत्ता नहीं थी। भगवान राम जब सत्य के लिए लड़े, उनके पास संसाधन नहीं थे, उनके पास तो रथ भी नहीं था। रथ रावण के पास था, संसाधन रावण के पास थे, सेना रावण के पास थी, सोना रावण के पास थी, वो तो सोने की लंका में रहता था। भगवान राम के पास सत्य था, आशा थी, आस्था थी, प्रेम था, परोपकार था, विनय था, धीरज था, साहस था,
और भगवान राम के पास सत्य था। मैं सत्ता में बैठे हुए सरकार के जितने भी सदस्य हैं, अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को याद दिलाना चाहती हूं कि इस जीवन राम भगवान के जीवन गाथा का क्या संदेश था। सत्ता सदैव नहीं रहती, सदैव नहीं रहती सत्ता, सत्ता आती है जाती है, अहंकार चूर चूर होता है एक दिन। यही संदेश था भगवान राम का, उनके जीवन का। तो भाइयों, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? डमरू बजाना आसान है, लेकिन डमरू बजाकर महादेव शिव की तरह पूरे ब्रह्मांड को थर्रा देना अलग। धर्म गुरुओं के लिए नेताओं को प्रवचन देना आसान है, उसी तरह नेताओं का धार्मिक कहानियों के आधार पर दूसरे नेताओं को सीख देना भी आसान है। लेकिन जब तक एजेंडा किसी को छोटा या किसी को बड़ा दिखाना होगा, जब तक पॉलिटिक्स में या धार्मिक उपदेश में पब्लिक के मुद्दे गायब रहेंगे, तब तक सिर ये बयान है, बयानों का क्या। प्रियंका गांधी के ही शब्दों में, बयान आएंगे और बयान चले जाएंगे, वोट नहीं दिलवा पाएंगे। आपको कैसा लगा ये चुनावी डमरू, हमें जरूर लिखें। साथ ही वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक और शेयर भी करें, और उसके साथ न्यूज कनेक्ट चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले। बाकी जल्द ही मिलती हूँ आपको फिर एक चुनावी डमरू के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए हर घंटे नई खबर के साथ, सिर्फ आपके अपने चैनल न्यूज कनेक्ट पर। न्यूज कनेक्ट यानी खबरों से आपका कनेक्ट। न्यूज कनेक्ट को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आप रहें हर वक्त हर खबर से अपडेटेड।